सो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रफ एंड टफ राइडर एंड ए टू जेड बाइक वर्ल्ड। आज जो है ना निंजा 300 को मैं फुल लोड, फुल मॉडिफाइड, फुल लुक, आपका जो है ना लुक वाले जो आइटम है सारे चीज़ में लगाने वाला हूँ। और उसके साथ जो है ना मैं इस वीडियो में मैं सब कुछ दिखा दूंगा। कुछ नया चीज़ हमने लाया है वो भी मैं इसमें ऐड कर दिया हूँ, जो आपको इजीली आप मंगाना चाहो तो मंगा सकते हो। वैसे हमारा जैसे प्राइस वगैरह भी पूछना है तो आपको डिस्प्ले पे नंबर आ रहा होगा, प्राइस पूछ सकते हो। और शॉप पे आना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा लिंक डला हुआ है और पूरा फुल वीडियो आप देख के जाओ कि आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या इसमें हम करा सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो आपको ना पसंद हो वो आप मत लगाओ। ये एक तरीके से डेमो का होता है, डेमो में हम फुल मॉडिफाइड करते हैं, उसके बाद अपना जो पसंद होता है वो आप अपना लगवा सकते हो। जैसे लीवर प्रोटेक्टर में भी हमारे पास 3-4 मॉडल आ गए हैं जो हैवी में, सीट कॉल में भी 2 कलर आ जाते हैं, प्लस आपका फ्रेम स्लाइडर में 4 से 5 आपका डिज़ाइन मिल जाता है। और इसके बाद आपका टैंक पैड में भी बहुत सारे मॉडल है, थाई पैड में भी है, साइड मिरर में भी है, बहुत सारे मॉडल है। आपको ये नहीं करना कि अगर ये पसंद नहीं दूसरा, ये जैसे एक वाला पसंद नहीं आया दूसरा तो आपको पसंद आएगा ही। जब मेरे शॉप पे विजिट करते हो तो ज़रूर मैं आपको सब चीज़ सारे वैरायटी, ऐसे ही हमने डेमो के लिए सारा चीज़ आपको दिखा दिया है कि क्या क्या आइटम मिल जाता है। ऑप्शन आप देखो कि कौन सा लगाना है, हमारा काम है बस ये दिखाने के लिए। वैसे ये वीडियो आपके लिए समझो डेमो है, सब कुछ आप कुछ भी करो। देर ना करते हुए पहले हम कहाँ पहले शुरू करते हैं क्या क्या आइटम हमारे पास है। पहले हम चलते हैं टैंक पैड और थाई पैड पे। तो भाई हमारे पास शार्क पावर का थाई पैड आ जाता है जो आपको वन टाइम पैसे खर्च करने वाली बात है, वन टाइम पैसे खर्च करो। और दूसरी बात है बाय द वे कभी हटाते भी हो तो इसका डबल टेप चेंज होके फिर दूसरा ये दूसरी बार ये लग जाता है ये थाई पैड शार्क पावर। और इससे आपका बेनिफिट ये हो जाता है कि आपको जैसे ब्रेक वगैरह लगाते तो जब जैसे पिसल जाते थे वो नहीं पिसलोगे, इससे आपका टैंक पैड से ये बेनिफिट है। इसके साथ हमारे पास आ जाता है आपको ये टैंक पैड जो आप देख सकते हो, ग्रीन कलर, ब्लैक कलर, रेड कलर, सारे कलर हमारे पास अवेलेबल है, हमारे शॉप पे आके आप लगवा सकते हैं। ये हमारा टैंक पैड का आ गया, इसमें भी हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ हमारे पास आ गया विंग्स मिरर जो बिग वाले हैं, स्मॉल भी आते हैं लेकिन हमारे पास ये बिग वाले था तो मैंने बिग वाले ये लगाना है। और इसमें आपका विंग्स हो गया प्लस आपका ये मिरर हो गया, ऐसे फोल्ड हो जाएगा तो आपका मिरर हो गया, ये देख सकते हो आप, दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, विंग्स प्लस मिरर दोनों ऑप्शन आ जाते हैं और फुल एडजस्टेबल आता है, ये देख सकते हो आप। इसके साथ आ गया आपका विंगलेट, ग्रीन कलर भी अवेलेबल है और आपका ग्रीन कलर में ऐसा आ जाएगा जैसे हमारा ये ग्रीन कलर सीट कॉल रखा हुआ वैसे ही आपका ये ग्रीन मिल जाएगा। ब्लैक आपका ये आ गया ऑप्शन, वैसे ब्लैक लगने वाला है, ब्लैक भी मैं आपको दिखा दिया मैंने। और ये गियर सॉक्स रबड़ आ जाता है प्रो टेपर का, जो आपको जूते पे निशान वगैरह पड़ता था वो नहीं पड़ेगा इससे और आप इजीली आप अपना बाइक चला सकते हो। साइड स्टैंड का चप्पल भी हमारे पास ग्रीन और ब्लैक अवेलेबल है, जो जैसे कीचड़ वगैरह में आपका जैसे मिट्टी वगैरह में जैसे पता ही आपको कि वहाँ धस जाता था, गाड़ी गिरने का डर होता है, तो ये आपको साइड स्टैंड चप्पल से आपको जो एकदम फ़ायदेमंद चाहिए। इसमें दो ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास, एक आपका ये मॉडल एक ये मॉडल, दोनों ऑप्शन आ गया। प्लस हमारे पास ये रिजोमो का ये मिल जाता है डिस्क कैप, इसमें आपको रेड कलर, ब्लू कलर, ब्लैक कलर, सिल्वर कलर सारे और ये टाइटेनिमिक आपका ये कलर आ जाता है डिस्क कैप, ये भी मिल जाता है हमारे पास। प्लस लीवर गार्ड हमारे पास ऑप्शन आ गया, बहुत सारे मॉडल ऐसे तो आपने वीडियो में देखा होगा, ये आपका हेवी वाले आपका जो मैं ये दिखा दूँ, डिट्टो आपका ऐसे ही आएगा लेकिन इसमें कलर आ जाता है और इससे थोड़ा सा जैसे वेट में कम है प्राइस का भी आपको कम है इसका और इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ये देख सकते हो, लेकिन ये हेवी बहुत ज़्यादा हो जाता है ग्रीन कलर में, ये देख सकते हो आप। ये हमारा लीवर प्रोटेक्टर का हो गया दो मॉडल, और एक मॉडल और मैं आपको दिखा दूँ जो हम ज़्यादातर हम ये भी यही लगाते हैं, ग्रीन कलर और ब्लैक कलर, इसमें कार्बन का ऑप्शन मिल जाता है और ब्लैक का ऑप्शन मिल जाता है, ये हमारा जो है आपका लीवर प्रोटेक्टर का आपका ऑप्शन आ गया। और हमारे पास की कवर भी आ गया है जो निंजा का, ये देख सकते हैं इसमें ब्लैक कलर है, गोल्डन है, रे और आपको 2-3 कलर और मिल जाता है, ये आप अपना बाइक चल समझो चाबी को सेफ रखने के लिए आप ये लगा सकते हो, लुक भी हो जाता है इससे ये की कवर। ये हमारे पास स्पूल भी आ जाता है जो आपको पैडो वगैरह स्टैंड वगैरह लगाते हो सर्विस वगैरह के लिए, तो ये आपको बहुत काम आने वाला चीज़ है, ये देख सकते हो ये भी आपको मिल जाएगा। और ये आपका आ गया ब्रेक, जैसे डिस्क ब्रेक पीछे वाला ब्रेक जो दबाते हैं ना उसके लिए आपका ये ऑप्शन मिल जाता है, जैसे ब्रेक वगैरह इसका छोटा आता है और ये लगाओगे तो बड़ा हो जाएगा, आपको ईजिली आपको ब्रेक वगैरह लगाने में ये काम आ जाता है, ये ब्रेक चप्पल बोलते हैं इसको। इसमें कलर मिल जाता है आपको, रेड है, ब्लैक है, ऑप्शन मिल जाएगा आपको। और ये आ गया आपका सीट काउल, सीट काउल ग्रीन और ब्लैक दोनों ऑप्शन हमारे पास मिल जाता है और ये आपका इम्पोर्टेड है,
इम्पोर्टेड में आपका आ गया कि ये आपका फाइबर का दूसरे तरीके का आता है, और जो हल्के वाले आते हैं उसमें वो दूसरे गत्ते के जैसा आता है वो, तो वो थोड़ा सा फिटिंग में प्रॉब्लम आता है। ये आपका इम्पोर्टेड वाले में है कि कंपनी फिटेड जैसा आपको ये लग जाता है ये सीट कवर का। और ग्रिप का ऑप्शन भी हमारे पास मिल जाता है, बहुत सारे हैं वैसे तो, देख सकते हो ग्रिप का बहुत ऑप्शन है, ग्रीन में आपको, ब्लैक में, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं हमारे पास। लेकिन ये आपका ग्रीन जो मैंने दिखा दिया, ये ग्रीन में आपका एक ऐसा आ जाएगा एक ये आ जाएगा, दोनों ऑप्शन मिल जाता है ग्रिप में। और ये आपका आ गया फॉक्स स्लाइडर जो सबसे हेवी वाले हैं, ये देख सकते हो इसमें ब्लैक है, ग्रीन है, रेड है, गोल्डन है, सारे कलर हमारे पास अवेलेबल है। आप हमारे शॉप पे आके लगवा सकते हो, मंगाना चाहो तो मंगा भी सकते हो, ये हमारे शॉप फॉक्स स्लाइडर आ गया। और फ्रेम स्लाइडर का मैं आपको दिखा दूँ, 1, 2, 3 ये 4, वैसे तो और भी मॉडल है लेकिन जो सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे ज़्यादा जो हमारा जैसे लुक में आता है वो हमारा ये आ जाता है फ्रेम स्लाइडर का, ये देख सकते हो आप। पहले मैं एक एक करके दिखा दूँ, 1 तो हमारा ये आ गया, ये देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो और फिर भेज भी सकते हो मुझे। 1 मॉडल ये आ गया, इसमें आपको ब्लैक कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है, और ब्लैक है, क्रोम है, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये देख सकते हो आप। और दूसरा हमारा एक हमारा गया ये है सिल्वर में, ये आ गया आपको जैसे आरएनजी के जैसा ही आता है, और इसमें ग्रीन है, ब्लैक है, आपको सारे कलर हमारे पास अवेलेबल है, लगवा सकते हो। प्लस ये आ गया आपको, ये देख सकते हो ये ऐसा लुक में आ गया, ये भी ग्रीन कलर, सारे कलर अवेलेबल है, जो भी फ्रेम स्लाइडर लोगे सारे कलर अवेलेबल है। और इसके साथ आपका ये केसिंग आ गया, केसिंग में भी हमारे पास 2 मॉडल आ गए हैं जो मैं आपको, एक हैवी एक हल्का दोनों मिल जाता है ये केसिंग का। ये हमारा जैसे कोई भी स्लाइडर लगाओ केसिंग तो आपको यही लगेगा, केसिंग आपका ये होता है ये प्रोटेक्ट करने बचाने के लिए, आपको ये बहुत काम आने वाला है। ये इससे ये लगाने से आपको ये होता है कि वाइजर वगैरह साइडों का कवर वगैरह पूरा फुल बचाता है। और ये आ गया आपका फॉग प्रोटेक्टर, इसमें भी कलर हमारे पास सारे अवेलेबल है, ग्रीन छोड़ के, ग्रीन हमारे पास अभी नहीं है लेकिन इसमें सारे कलर हमारे पास मिल जाते हैं, ये देख सकते हो आप। और ये पूरी फिटिंग होने के बाद तो मैं दिखाऊंगा ये क्या क्या हमने निंजा में लगाया है। ये हमारा फॉग प्रोटेक्टर आ गया, और इसके साथ आ गया आपका ये आपका इंडिकेटर बल्ब जो आपको सिमटेक का आ जाता है, इसके 3 साल की गारंटी आती है, कभी भी आपको कोई भी परेशानी होगा तो हम चेंज करके दे देंगे आपको। ये आपको 4 पीस का सेट आता है सिमटेक का, ये देख सकते हो, ब्राइटनेस वगैरह भी बहुत अच्छा है जो मैं आपको चेक करा दूँगा। और हमारे पास मिल जाता है ये नाइट आई का आपका S7 जो आपको निंजा 300 में ही लगता है, S7 ये नाइट आई जो आपको ओरिजिनल का मैं पहचान बता दूं, पहले तो ओरिजिनल ये हमारा जो है ना ये स्कैनर वगैरह सब आता है, ये स्कैनर से नहीं, ये स्कैनर देखना चाहिए जो आपको ये स्कैन करके आप बता देगा कि ओरिजिनल है कि लोकल है। और 2 पीस का आता है, ब्राइटनेस वगैरह आपका नॉर्मल बल्ब से भी 3 गुना रोशनी हो जाता है इसका। प्लस अब बैंड पाइप आप देख सकते हो, बैंड पाइप हमारे पास ये आ गया कि ये इंडियन आ गया, ये इम्पोर्टेड आ गया। इम्पोर्टेड का भी फिनिशिंग आप दिखाई दूँ मैं कि कैसा फिनिशिंग है हमारा, ये हमारा इम्पोर्टेड का फिनिशिंग आप देख सकते हो आप, ये हमारा इम्पोर्टेड आ गया और ये इंडियन आ गया, आप जो दिल करे वो आप लगा सकते हो। वैसे फिटिंग में दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ये फिटिंग आपका ये आ गया। और इसके साथ हजार्ड भी हमारे पास मिल जाता है, हजार्ड 2 मॉडल है हमारे पास, एक तो आपका बटन वाले, एक बिना बटन वाले। अगर बटन वाले लगवाने हैं तो बटन वाले भी मिल जाएंगे, बिना बटन वाले चाहिए तो बिना बटन में मिल जाएगा। बिना बटन में आपको आ जाता है ऐसे ही आएगा चिप, बस उसमें आपको वायर आएगा जो आपको प्लग एंड प्ले सिस्टम बन जाता है, और बटन वाले में आपको खाली एक ये ऐड हो जाता है ये बटन, ये देख सकते हो ऐसा बटन आता है। इसमें आपको 40 मोड आ जाते हैं और इसकी 1 साल की गारंटी भी आ जाती है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए हैंड टू हैंड चेंज करके मैं देने वाला हूँ, ये हमारा जो हजार्ड का है ये देख सकते हो आप। प्लस अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारा आ गया जो है टायरेगर, ये कार्बन फिनिश के अंदर है और प्लेन ब्लैक दोनों ऑप्शन मिल जाता है। इससे होता है कि आपको कीचड़ वगैरह जो हमारा ऊपर सीट के ऊपर आता है ना पिलियन को पीछे वाले को, तो वो नहीं आएगा अगर आप ये टायरेगर लगा लेते हो, तो लुक भी चेंज हो जाता है। दूसरी बात है ये टायरेगर से हमारा बेनिफिट भी है कि कीचड़ वगैरह नहीं आता है। अब नींद आने लगा तुम्हारे घर। और सो गाइस, और बहुत सारे बंदे कहते हैं कि भाई रेडिएटर गार्ड में क्या फ़र्क है, मैं आपको दिखा दूँ। एक तो हमारा ये आ जाता है ब्लैक में निंजा लिखा हुआ, जो आप ये सस्ते में हो गया, और एक ये आ गया स्टील में, ये स्टील में आप देख सकते हो, दोनों ऑप्शन आपको देख लो आप, जो स्क्रीन शॉट लेके आपको जो इच्छा करे आप टिक लगा कर दे सकते हो और मंगा सकते हो आपका, ये दोनों रेडिएटर गार्ड हमारे पास अवेलेबल है। और जो सबसे अच्छा चीज़ जो मैं बता दूँ, जो अच्छा चीज़ आया है R6 मिरर में भी हमारे पास बहुत सारे मॉडल आ गए हैं, ये देख सकते हो बहुत ही प्रीमियम लुक है, और काफ़ी हेवी में भी हमारा साइड मिरर आ गया। आपने वो विंग्स वाले तो देख ही लिया कुछ, ये भी देख लो,
ये एडजस्टेबल हो जाता है, आपको जितने पे चाहिए उतने पे, प्लस यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो। बहुत ही प्यारा लुक हो जाएगा आपकी बाइक का, टेनर बोल सकते हो आप, टेनर मिरर इसी को बोलते हैं। इसमें एडजस्टेबल आ गया। बहुत सारे दिक्कत परेशानी थी ना कि हाँ भाई ये नीचे हो जाता है, लीवर में टच होता है, तो कैसे थी, ये हो गया आपका एडजस्टेबल। जैसे दिल करे, जहाँ दिल करे वहाँ रख सकते हो, साइड देखने के लिए रखना है ऊपर रख सकते हो, सारे ऑप्शन इसमें मिल जाता है। और इसके साथ आपको स्टिकर भी मिलता है, जैसे आप ग्रीन कलर की बाइक है तो ग्रीन लगा लो, रेड कलर की बाइक है तो रेड लगा लो, सारे ऑप्शन इसमें मिल जाता है, जो यहाँ पे लग जाता है ये स्टिकर ये कॉर्नर पे। सो भाई ये तो हमारा निंजा 300 का आपका जो भी है मॉडिफाइड का सारे आइटम मैंने बता दिया, और एग्जॉस्ट जो भी चाहिए तो मैं तो इसमें साउंड सुना ही दूंगा, लेकिन और वीडियो देखना है तो उसमें एग्जॉस्ट वगैरह का मैंने बता रखा है, आप फिर चेकआउट करके दूसरा वीडियो भी आप देख सकते हो। वैसे मेरे पास एग्जॉस्ट बहुत सारे हैं, ये देख सकते हो पीछे लगा हुआ है। एससी है, एक्रापोविक है, एसी मोरा है, उसके बाद आपको अल्फा है, उसके बाद आपका R9 है, बहुत ही एग्जॉस्ट है, R1M है, A to Z जितने भी आते हैं ना सारे एग्जॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है, हमारे रैपली का सारे मिल जाते हैं, हमारे शॉप पे आके विजिट करके लगा सकते हो। नहीं तो कोई अगर आपको पसंद है तो आप वही वीडियो वही एग्जॉस्ट पूछो, मैं आपको दे दूँगा। मेरे चैनल पर नया तो ज़रूर सब्सक्राइब करके, हमेशा मैं नया नया वीडियो डालता रहता हूँ कि आपको समझो एक तरीके से जानकारी के लिए आपको वीडियो हो जाएगा कि हाँ भाई पता तो चले कि क्या क्या मॉडिफाइड हो सकता है, कैसा हो सकता है, कि हम अच्छा करा रहे हैं कि बुरा करा रहे हैं। तो दूसरी बात है गाइज, आप ये भी ध्यान रखना कि क्वालिटी पहले देखा करो, कि हाँ बहुत सारे चीज़ का आता है, एक ही चीज़ का 3 मॉडल आ जाता है, तो बहुत सारे बंदे क्या करते हैं, एक ही पहले आप क्वालिटी देखोगे ना तो आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई हमने हैवी दिया है कि हल्का दिया है। प्राइस उस पर आपको डिपेंड करता है कि हाँ अगर अच्छा चीज़ ले रहे हो तो प्राइस थोड़ा सा कॉस्टली लगता है, लेकिन ये है कि आपको चीज़ मैं दूंगा तो हाँ हमारा सब चीज़ पहले चेक किया हुआ रहता है, कि जैसे हम पहले बाइक पे लगाते हैं, अगर हमें पसंद, जैसे कस्टमर रिव्यूज़ देते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ अच्छा है, तो हम आगे ये करते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ चलना चाहिए, क्योंकि हमें अपना नाम नहीं ख़राब करना, और कभी भी हम चीप वाला काम नहीं करते, जैसे कि जो मर्जी लगा दो, इधर लाइट चिपका दिया, वैसा कर दिया, वैसा हमें पसंद भी नहीं है, हम करते भी नहीं। और फाइनली अब जो हमारा निंजा 300 का है काम शुरू हो गया, वो मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या हो रहा है, और लास्ट में तो अभी मुझे पता है कि वीडियो बहुत ही लंबा होने वाला है, जरूर देखे पूरा फुल वीडियो। डन, ओके। सो भाई अपना निंजा 300 का जो काम शुरू हो चुका है, जो मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या हमने काम शुरू कर दिया, ये देख सकते हो। पहले तो लेमिनेशन का मैं दिखा दूँ, जो 3 लेयर लेमिनेशन हमारा आ जाता है, जैसे हमारा देख सकते हो सिंगल पीस में हमारा लेमिनेशन हो गया, आपका ये आगे का टंकी हो गया, साइडों का भी ये देख सकते हो पूरा हुआ, 3 लेयर है। अभी एक लेयर मैं आपको हटा के दिखा दूंगा कितना शाइनिंग वगैरह आई है, पीछे का टेल वगैरह हमारा आ गया, ये देख सकते हो आप। और पीछे का जो हमारा मडगार्ड वगैरह भी, जो टायर वगैरह वगैरह, ये लग चुका है देख सकते हो, और प्लस वो फुटरेस्ट का जो ये है ना ब्रेक का, ये भी हम लगा रहे हैं, ये देख सकते हो ऐसे कुछ आ जाएगा ये, इससे आपका जो है ब्रेक वगैरह लगाने में कोई इशू नहीं आने वाला। प्लस लीवर गार्ड भी हमारा लग चुका है और काम वाम चल रहा है इसका, ये लीवर गार्ड हमारा कुछ ऐसा आ गया, ये फॉक प्रोटेक्टर आ गया, और इसके साथ जो है आपका फॉक स्लाइडर है, और नाइट आई वगैरह लग रहा है, सारे समझो कि सारा काम शुरू हो गया। रेडिएटर गार्ड भी हमारा लग चुका है, ये देख सकते हो, इंडिकेटर बल्ब भी हमने लगा दिया है, इसके साथ हमने केसिंग भी देख सकते हो, ये केसिंग हमारा लग चुका है, जो पूरा स्लाइडर वगैरह जब लगेगा तो मैं आपको फिर से आपको दिखा दूंगा कि स्लाइडर कैसे लगता है। पूरी फाइनल होने के बाद मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि हाँ कैसा है मॉडिफाइड किया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि निंजा 300 का मॉडिफाइड कैसा हुआ है। सो गाइस जो अपना एक्रापोविक का इसका साउंड सुन लो, जो कैप वाला मैंने दिखाया था कार्बन फिनिश के अंदर, इसमें डीबी किलर के साथ आ जाता है, इसका भी आप साउंड सुन लो आप। सो नेक्स्ट हमारा आ जाता है अल्फा, जो न्यू मॉडल में आ जाता है, इसका भी आप साउंड सुन लो, ये थोड़ा सा बेस में और लाउड थोड़ा हो जाता है, और लेकिन ये डीबी किलर के साथ ये भी है। और नेक्स्ट जो हमारा आता है, जैसे आप देख सकते हो जैसा लगेगा कि कंपनी से ही लगा रखे हो, ऐसा लुक हो जाता है, लेकिन साउंड इसके भी बहुत बेहतरीन है, देख सकते हो लुक बहुत ही अच्छा इसका निकल के आता है, जैसे आप एग्जॉस्ट रख के देखते हो तो।
और सो गाइस नेक्स्ट आता है हमारा लिविंसी, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन भी है, और ये डीबी किलर के साथ है और कार्बन फिनिश सिल्वर दोनों ऑप्शन अपना मिल जाता है। इसका भी आप साउंड सुन लो, इसका भी साउंड बहुत ही प्यारा है। सो गाइस नेक्स्ट आता है हमारा येसीमोरा, जो आप देख सकते हो ये आपका जो है ना, इसका साउंड भी बहुत ही अच्छा है और ये डीबी किलर के साथ है और फाइनल हमारा एग्जॉस्ट यही होता है इसका। मैं आपको साउंड सुना दूं और लुक भी आप देख सकते हो बहुत ही बेहतरीन, इसे तो कोई भी ना नहीं कहता कि मैं नहीं लगवाऊंगा, इसका साउंड ही इतना प्यारा है। तो भाई हमारा ये होता है फाइनल, और पूरे फिटिंग होने के बाद मैं पूरा टोटली अब दिखाऊंगा क्या क्या हमने आइटम लगाया, कैसा मॉडिफाइड किया है। सो भाई अपना निंजा 300 पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैं एक एक करके बता दूं क्या क्या, वैसे तो मैंने सब कुछ साउंड वगैरह एग्जॉस्ट वगैरह दिखा दिया था और जो जो हम काम कर रहे थे उसका भी मैंने दिखा दिया, लेकिन फाइनल होने के बाद बहुत ही प्यारा बहुत बेहतरीन लुक हो चुका है, जो कोई ये नहीं कह सकता कि चीप है चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल में बहुत अच्छी मॉडिफाइड, ऐसा लग रहा है कि कंपनी फिटेड है हमारा, जो सामान जो हमने जो भी मॉडिफाइड आइटम लगाया था ऐसा लग रहा है कंपनी फिटेड है। मैं उसका अब एक एक करके दिखा दूँ, पहले तो आप देख सकते हो मैंने जो फॉक्स स्लाइडर लगाया है ये हमने लगाया है रेड कलर में, ऐसे कलर का ऑप्शन हमारे पास सारे मिल जाते हैं लेकिन मैंने रेड कलर का लगाया है, भैया का थोड़ा डिमांड था कि रेड कलर ही लगाना, इस वजह से इससे हमारा बेनिफिट हो जाता है, डिस्प्ले हमारा पूरा बचाता है प्लस आपका जो है मडगार्ड वगैरह भी बचाता है, और मडगार्ड बचाने के लिए आपको भी पता है कि इसका मडगार्ड बहुत ही महंगा आता है, कॉस्टली है, 10,500 के आसपास आपका आ जाता है, तो ये आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। ये हमने लगाया, ये लगाया पॉक प्रोटेक्टर मडगार्ड बचाने के लिए, और इसका लुक भी बहुत बोल्ड हो जाता है, जैसे हैवी हो जाता है ये लगाने से, ये देख सकते हो फ्रंट से आप बहुत ही अच्छा लुक हो जाता है इसका। और इसके साथ हमने लगाया है एक सिमटेक का बल्ब, ये देख सकते हो इसकी ब्राइटनेस वगैरह, जो आपको लेफ्ट का और ये राइट का हो गया एंड लेफ्ट का हो गया दोनों लगा दिया, और इसमें हमने लगाया है सिमटेक का हजार, जो मैं आपको ऑन करके दिखा दूं कि कैसे, और इसमें पैटर्न मिल जाता है आपको 40 पैटर्न, और एक साल की सिमटेक की गारंटी आ जाती है आपको हजार की और 3 साल की आ जाती है आपको बल्ब की। ये आपका हजार जो ऑन करना, लेफ्ट राइट सेंटर करोगे हमारा हजार ऑन हो गया, पैटर्न चेंज करना है फिर लेफ्ट राइट सेंटर करोगे आपका दूसरा पैटर्न आ गया, नेक्स्ट आ गया, फिर तीसरा आ गया, बहुत सारे पैटर्न है, जो पैटर्न पसंद है वो आप ना लॉक कर सकते हो, ऑफ करने के लिए कहीं का इंडिकेटर लो ऑटोमेटिक ऑफ हो गया हमारा हजार्ड ऑफ हो गया, ये भी नहीं है कि बटन बटन कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम हो जाता है आपका हजार्ड का। और इसके साथ हमने लगाया है नाइट आई, जो आपका हेडलाइट का बल्ब का आज मैं रोशनी चेक करा दूँ, पहले तो हमने पार्किंग बल्ब भी व्हाइट कलर का ये चेंज किया, ये देख सकते हो आप, और इसके साथ हमने नाइट आई लगाया, मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, ये आपका हेडलाइट का बल्ब है, ये लो बीम हो गया और ये हाई बीम हो गया, और इसके ब्राइटनेस वगैरह चेक कर सकते हो, काफ़ी हेवी ब्राइटनेस इसका हो जाता है, लो बीम हाई बीम दोनों ऑप्शन आपका आ जाता है, ये आपका हो गया नाइट आई के लिए। और इसके साथ हमने लगाया है विंग्स वाली मिरर, ये विंग्स हो गया हमारा, और मिरर मिरर बनाना है तो ये हमारा मिरर हो गया, ये देख सकते हो, मैं दोनों लुक भी बहुत ही बेहतरीन हो गया, और बिग साइज हमने लगाया है, इसमें स्मॉल भी आता है, बिग वाले हमने लगाया है, जो मैं आपको मिरर का भी लुक दिखा देता हूँ, जो इस साइड से आपको मिरर का लुक आप देख सकते हो कि कैसा आपका इसका लुक आता है, ये हमारा मिरर का लुक हो गया, ये देख सकते हो दोनों साइड, ये हमारा मिरर का लुक हो गया, बहुत ही अच्छा बहुत ही बेहतरीन लुक इसका हो जाता है ये मिरर का। और इसके साथ हमने जो लगाया है नेक्स्ट आइटम हमारा आ जाता है लीवर प्रोटेक्टर, जो रेड कलर का मैच करता है, इसमें आपको कलर का ऑप्शन मिल जाता है, ब्लैक है, ब्लू है, और आपका आपका सारे कलर जो है ना गोल्डन भी मिल जाएगा, और इसमें जो है ना आपको बस ग्रीन कलर अभी नहीं है, ग्रीन कलर लोगे तो इससे हेवी वाला हमारे पास अवेलेबल है, वो जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था वो मिल जाएगा। और इसके साथ हमने डिस्कैप भी लगाया रेड कलर मैच करता हुआ, जो आपका डिस्कैप है बाय द वे कभी खुदा ना खास्ते गिरती है तो ये आपको इस पर स्क्रैच आएगा, आपका सामान जो है ना जैसे डिस्क का ये है ना बॉटम ये ख़राब नहीं होता इससे आपका। और हमने की कवर भी लगाया, ये देख सकते हो की कवर हमारा आ गया, ये आपको CNC मेटल में आ गया आपका की कवर, लुक भी चेंज हो गया इससे आपका की कवर से। और जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी हमने जो लगाया फ्रेम स्लाइडर वो देख सकते हो आप, इसमें कलर का ऑप्शन मिल जाता है हमारे पास, ब्लैक और ग्रीन का सारे ऑप्शन मिल जाता है, इसके साथ आपका ये आ जाता है, केसिंग वगैरह जो लगाया था वो मैंने आपको दिखाया था, लोग आप देख सकते हो हमारा फ्रेम स्लाइडर का, हाँ लग रहा है कि हाँ प्रीमियम क्वालिटी है इसका, ये आप देख सकते हो। और इसके नेक्स्ट जो हमने लगाया है रेडिएटर गार्ड, वो भी मैं आपको दिखा दूँ,
ये हमारा रेडिएटर गार्ड स्टेनलेस स्टील का लगाया है जो हमारा फुल रेडिएटर प्रोटेक्ट करता है। ये हमारा रेडिएटर बचाता है, रेडिएटर प्रोटेक्ट, ये रेडिएटर गार्ड ये देख सकते हो आप। सो ये नेक्स्ट हमने जो लगाया है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। पहले तो हमने गियर सॉक्स रबर लगाए हैं, जो हमारे जूते वगैरह पे निशान पड़ते थे वो नहीं पड़ेंगे इससे, ये देख सकते हो, काले वाले भी नहीं पड़ेंगे इससे, हमारा ये सॉक्स रबड़ उतर से ही हो जाता है। और साइड स्टैंड का जो चप्पल लगाया हमने, ये देख सकते हो साइड स्टैंड का हमारा चप्पल आ गया। ये भी प्लग एंड प्ले सिस्टम हो जाता है, इससे होता है हमारा कि बाइक वगैरह जो है ना गिरने का डर नहीं है। और नेक्स्ट हमारा आ गया टैंक पैड, जो ग्रीन और ब्लैक और थोड़ा सा कार्बन मिक्स आ जाता है, जो आप देख सकते हो हमारा ये टैंक पैड। और क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसकी, प्रीमियम क्वालिटी आ जाती है। तो नेक्स्ट जो हम लेमिनेशन का, पहले मैं बता दूं कि क्या क्या हमने किया लेमिनेशन, तो मैं छोड़ दिया था लेकिन मैं बता देता हूँ। ये हमारा लेमिनेशन, हमारा पीछे का टेल आ गया पूरा, और टंकी वगैरह आप देख सकते हो, कोई भी आपको पता नहीं लगना कि आपने लेमिनेशन कराया, जो सिंगल पीस में होता है इससे आपका नेक्स्ट आपका आ जाता है, ये देख सकते हो। और मैं फाइनली अब इसका लेयर हटा के दिखा देता हूँ, जो लेयर मैंने हटाना था ये अभी लेयर, ये हमारा जैसे जो लास्ट लेयर है वो हटाता हूँ, देख लेना इसकी फिनिशिंग वगैरह, ये देख फिनिशिंग बिल्कुल जबरदस्त आपका ये आ गया। शाइनिंग ऐसा आता है जैसे कंपनी का हमारा था, उससे ज्यादा भी लाइट इसका शाइनिंग आ जाता है, ये देख सकते हो आप, ये हमारा लेमिनेशन का आ गया। और जो नेक्स्ट हमने लगाया है ब्रेक वाले ये चप्पल, जो आपको पहले पता है इतना छोटा होता था, अब हमने ये लगाया है रेड कलर का, इससे हो जाता है कि हमारा पंजा वगैरह सही से आ जाएगा और ब्रेक वगैरह हमारा लगाने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आता इससे। और नेक्स्ट जो हमने लगाया है बैंड पाइप, जो स्टेनलेस स्टील का आ जाता है जो बैंड पाइप हमारा, और ये प्लग एंड प्ले सिस्टम कर देता है, बाय द वे कभी नॉर्मल लगाना हो तो नॉर्मल लग जाता है आपका इससे। ये हमारा एग्जॉस्ट हमारा देखो, ये यशिमोरा जो लगाया था उसका, ये मैं लास्ट में आपको सुना दूंगा। और नेक्स्ट जो हमने लगाया है टायर हैगर, ये देख सकते हो रिफ्लेक्टर वाले, ये हमारा रिफ्लेक्टर वाला टायर हैगर, और भी प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम देख सकते हो आपके सामने, ये मैंने एक नट पे जैसे एडजस्ट हो गया हुआ है, और ये हमारा कीचड़ गार्ड हमारा लग गया, जो हमारा कीचड़ गार्ड का लुक वगैरह आप देख सकते हो। अब मैं फाइनली अब आपको सुना दूंगा, अब इसका जो है एग्जॉस्ट का साउंड आप सुन लो, फिटिंग होने के बाद कुछ ऐसा लुक हो जाता है, और साउंड देख सकते हो आप। तो ये था अपना निंजा 300 का जो हमने मॉडिफाइड किया, और इसमें दो तीन सामान जो नहीं लगवाया है वो है, जैसे विंगलेट है, विंग्स है, और दो तीन आइटम जो है वो नहीं लगा, वो मैंने तो वीडियो में दिखाई दिया, आप चाहो तो आप लगवा सकते हो। सो ये था हमने जो निंजा 300 का फुल मॉडिफाइड किया है, बाकी जो भैया हमारे मॉडिफाइड कराया उनसे थोड़ा पूछ लेते कि इनको काम कैसा लगा और कहाँ से आए हैं। भैया आप पहले आप अपना नाम बता दीजिए। समीर खान है हमारे भैया, वैसे तो चार पांच दिन से बात कर रहे थे, ऐसे कहाँ से नंबर आपको मिला है? YouTube से मिला है। बाकी आपको YouTube से मिला और काम कराया, पहले ये तो बताओ काम कैसा लगा आपको? जैसे शानदार, जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा। और फिनिशिंग वगैरह बहुत शानदार। अब ये तो नहीं है ना कि यहाँ जैसे एक होता है ना कि काम करते हैं बंदे तो ऐसा लगता है कि चिपका दिया हो, कुछ भी लगा दिया हो? नहीं, प्रॉपर काम हुआ है, किसी चीज में कोई छोटी मोटी चीज थी उसे प्रॉपर तरीके से ठीक किया गया, टाइम दिया गया, कोई जल्दबाजी नहीं। और समीर भाई आपने काम जो कराया है तो एक चीज होता है ना कि हाँ भाई अब दूसरे को भी मैं भेजूंगा, तो अब आप क्या कह रहे हो? आप बिल्कुल भेजूंगा, मैं खुश हुआ हूँ काम से, तो जाहिर सी बात है दूसरे लोगों को रेफरेंस दूंगा आपका। और पहले वो तो छोड़ो, चलो हमारा बाइक का मैटर था, अब हमारा भाईचारे का क्या है, आपने कैसा हमारे जैसे एक होता है ना कि हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल, आप चाहो तो ये मत सोचना कि हाँ सोनू भाई है ऐसे, तो भाई मैं नहीं, नहीं, जो आपने भाई, जो बिल्कुल मैं खुश हूँ आपके काम से, मैं सेटिस्फाई हो गया। okay. जो जो मुझे चाहिए था मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं, और आपने बहुत अच्छा काम किया, बिल्कुल खुश हूँ। सो ये था हमारे जो समीर भाई थे वो, उनका जो इन्होंने काम कराया, इनका एक्सपीरियंस, वैसे आप आके एक बार काम करा के देख सकते हो कि कैसा काम हुआ है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू मॉडिफाइड के साथ। बाय बाय।